ये कहना चाहूंगी, हमारा मुख भी प्यारा है, आपका मुख भी प्यारा है, बॉर्डर खोलें, प्यार करें एक दूसरे से। क्या नाम है आपका? रिबाहा। मुझे पता था। लांटे। ओ, प्यार दूंगी, प्यार लूंगी। ले लो इमरान खान हमारा और हमें ताजमहल दे दो। मैं खुद को दूंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। और मेन वीडियो के लिए आप वीडियो को 1.5 मिनट तक स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी बातें सुन भी सकते हैं। तो इसमें बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है वीडियो में। देखो दोस्तों, वीडियो में होने वाला कि पाकिस्तान, ये हमारी एंकर साहिबा, ये लोगों से पाकिस्तान में और पाकिस्तान में लोगों से पूछ रही है कि अगर पाकिस्तान भारत को कुछ देना चाहे तो वो भारत को क्या देगा। वैसे तो उनके पास गोले बारूद देने के सिवा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों से जान लेते हैं कि वे वहाँ के लोग, पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोगों को या इंडिया को क्या देना पसंद करेंगे। आई नो आपको मेरी बातें सुनना, मेरी कम्युनिटी पसंद नहीं है। कभी कभी तो हम वीडियो में स्कल दिखाते हैं, वो भी आपको पसंद नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ के मायने रखते हुए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो आप वीडियो को इन्जॉय किया करो, हमारी बातें प्लीज़ ध्यान न दिया करो और प्यारे प्यारे कमेंट क्या करो। तो चलिए पहले हम वीडियो को देखते हैं और इसके बाद मैं आपसे फिर से बात करूंगा इसी टॉपिक के बारे में। तो चलिए आइए वीडियो देख लेते हैं। इकरा, मुझे ये बताएं कि अगर आपको जिंदगी में एक मौका मिले इंडिया को कुछ देने का तो क्या देंगी? अगर मुझे कभी चांस मिलेगा इंडिया को कुछ देने का तो मैं उनको गैरत देना चाहूँगी और उनको सच्चाई का साथ देना सिखाऊंगी। और आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा उनको किसी चीज़ की अशद ज़रूरत हो सकती है। अगर आपको कभी इंडिया को कुछ देने का मौका मिले तो आप इंडिया को क्या देंगी? हिदायत और भरपूर दुआएं। हम इंडिया को नसीहत देंगे। कौन सी नसीहत? नसीहत देंगे अमन की, प्यार की, कि जैसे कि लास्ट में हमने इनका पायलट पकड़ा था अभिनंदन, हमने बिना किसी शर्त के, बिना किसी चीज़ के हमने उनको वापस कर दिया, ये इस तरह की नसीहत अमन की, प्यार की। नासिर खान जान। वो क्यों? बिकॉज मुझे लगता है वो हमारी पाकिस्तान की रेपुटेशन बहुत ख़राब कर रहा है और बहुत अजीब हरकतें करता है। प्यार देंगे उनको, बस प्यार। हाँ, मुझे लगता है प्यार सफिशिएंट है ह्यूमैनिटी के लिए, तो प्यार सबसे ज़रूरी है, तो प्यार देंगे। अगर इंडिया को कभी कुछ देने का मौका मिले तो आप क्या दोगी? मैं खुद। वो क्यों? क्योंकि मैं अपने माँ बाप का बहुत अनमोल रतन हूँ, इस वजह से। इंडिया को हम प्यार देंगे और रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि अगर नफरत होगी तो वॉर होगी और वॉर के अलावा कुछ चांस नहीं है। तो इसलिए हम प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं कि हमसे बात करें, ताकि जो मसला कश्मीर है वो भी सिर्फ बात के थ्रू ही हो सकता है, इसके अलावा तो और कोई। प्यार के अलावा क्या देना चाहेंगे, मतलब सॉलिड चीज़ों में से? प्यार तो एक इमोशन है ना। अच्छा, सॉलिड चीज़ों में से उनको हम अपना एक्स प्राइम मिनिस्टर देना चाहेंगे। यानी कि नवाज शरीफ? यस। और वो क्यों? वो इसलिए है कि वहाँ पे भी जाके थोड़ा सा उनको एहसास हो कि हम पे क्या बीती है पिछले दिनों में, यानी जो पीछे साल गुजरे हैं। तो वैसे उनका मोदी भी कम नहीं है, तो बराबर ही है इस वक्त, देखें क्या होता है। प्यार दूंगी बहुत सारा और अल्लाह करे हमारी दोस्ती हो जाए। इंडिया को देना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनसे ले लेंगे कश्मीर, बनता है राइट जो है ना सबसे ज़रूरी। इमरान खान। वो क्यों? क्योंकि हमें नहीं पसंद वो। मीडिया को प्यार देंगे। सॉलिड चीज़ों में से प्यार तो एक इमोशन है, बस उनको प्यार की ही कमी है, उनको प्यार ही देंगे। देखें जी, हमारे पास माशाल्लाह हमारे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, जैसे कि आमिर लाकिद, साहिल लोधी, हम ये इंडिया को देंगे कि इनसे वो कुछ सीखें इंडिया से। हाँ जी दोस्तों, तो आपने वीडियो को देख लिया है और पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सेकंड पार्ट आने वाला है। इसका सेकंड पार्ट जिस टाइम आप वीडियो को देख रहे हो, इसका सेकंड पार्ट कल इसी टाइम आपको एक्सजी न्यूज़ चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। हाँ, और दूसरी बात, अब बात करते हैं वीडियो के बारे में कि पाकिस्तान के लोग इंडिया से कितना प्यार करते हैं और इंडिया को क्या देना चाहते हैं। देखिए, आपने लोगों की सुनी, लोग कह रहे हैं कि हम तो जो है बड़ा चैन के साथ अमन और प्यार बांटना चाहते हैं, लेकिन इनके जो, तो दोस्तों
इनके, लेकिन आर्मी वाले जो अफसर हैं उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, वो कभी भी अच्छे लिए नहीं सोचते, उन्हें सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े की बातें सुनने में आती हैं और लड़ाई झगड़ा ही करना चाहते हैं। लेकिन जो कि आम जनता है, आम पब्लिक है, वो इंडिया से तो मतलब प्यार बांटना चाहती है। देखो दोस्तों, अभी हम माने तो मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया था कि यार पाकिस्तान के लोग मतलब अच्छे हैं, सभी लोग बुरे नहीं होते, तो मुझे इस बात पे लोगों ने जो है कमेंट किया और मेरे को बोला कि यार आप गलत बोल रहे हो, सारे इंसान अच्छे नहीं हैं, सभी बुरे हैं पाकिस्तान के। तो देखो यार, अभी हम दुश्मन देश है, ठीक है, तो जैसे हम पाकिस्तान के लोगों के बारे में सोच रहे हैं तो पाकिस्तान के लोग भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचेंगे। तो अभी मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे गलत बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे बारे में गलत सोचेंगे तो मैं तो उनसे लड़ूंगा भाई कि आप हमें गलत क्यों बोल रहे हो, हमारे बाकी भाइयों को सभी को गलत क्यों बोल रहे हो, हमने क्या किया। माना हम में से कुछ आपका विरोध करते हैं, अच्छे नहीं है हम, वो अपने देश के लिए भी अच्छे नहीं है, वो आपके लिए भी अच्छे नहीं है, तो अब उनको बोल सकते हो, आप सारे लोगों को हमारे इंडियंस को नहीं बोल सकते। तो इस बात के ऊपर मैं उनसे बहस कर लूँगा। लेकिन यार मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि यार मैंने थोड़ा तारीफ़ की दूसरे पाकिस्तान के लोगों की, भाई चलो लोगों की गलती नहीं है यार, सभी लोग बुरे नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि सभी, मैंने बोला सभी लोग बुरे नहीं है, मतलब कुछ अच्छे हैं। लेकिन इसके ऊपर मेरे को यार इतना लोगों ने बोला तो बड़ा सा अजीब सा लगा मेरे को, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, प्लीज़ आप भी कमेंट किया करो यार, हम आपकी कमेंट्स को पढ़ते हैं, और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना हो तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि कैसी आपको वीडियो चाहिए और किस प्रकार का कंटेंट आपको पसंद है, हम उसी प्रकार का कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। आप बोलोगे तो हम पब्लिक पर जाके जो है लोगों से अगर आप बोलो तो हम लोगों से जाके बातें भी करेंगे, उनसे भी रिव्यू लेंगे अगर आप बोलो तो। दोस्तों आप कमेंट में जय हिंद ले सकते हो, और प्लीज़ ये कमेंट हमें ज़रूर करना आप हमें अपने कंटेंट में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। हैशटैग आप उसके साथ हैशटैग लगा सकते हो, हैशटैग लगा के आप NXG लिख देना और अपनी राय जो आप लिख सकते हो कि भाई आपको ये करना चाहिए, सजेशन आप लिख सकते हो, हम उसको ज़रूर फॉलो करेंगे ताकि आपको वीडियो में और ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस मिले और आपको थोड़ा अच्छा लगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आप लोग ही देखते हो और आप लोगों के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आएगी तो इसका बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहता है। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करना कि हमें अपने कंटेंट में क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों आज मैं दिल्ली गया था, दिल्ली मैंने कुछ एक अफ़गानिस्तान के हमारे एक इंसान मिले, एक इंसान थे जो 6 साल से जो इंडिया में रह रहे हैं, और मैंने उनसे बातें की, मैंने एक छोटा सा वीडियो उनके साथ बनाया है, अगर आप चाहोगे तो कहोगे तो मैं उस वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो यार प्लीज़ आप हमसे बात क्या करो, कमेंट क्या करो हमारे बातों का, हमसे कुछ पूछो हम आपको बताएंगे, या फिर आप अपने बारे में कुछ बताओ, ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। और थोड़े दिन बाद हम एक लाइव सेशन भी लेके आने वाले, हम पाकिस्तान के लोगों से लाइव बात करेंगे, कुछ वहाँ के एंकर से उनसे हम लाइव बात करेंगे, वहाँ से लोगों के बारे में पूछेंगे। तो आपको हमारी इनिशिएटिव्स कैसा लगा, प्लीज़ आइडिया, हमारे आइडिया कैसे लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना, आप अपना कमेंट देना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल NXG के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखना न भूले। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गौरव में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।